भागवत कथा में दूसरे दिन भी कथा में वृंदावन से पधारे पंडित सोमेश कृष्ण शास्त्री ने कहा, भागवत का आश्रय करने वाला कोई भी दुखी नहीं होता है। भगवान शिव ने सुखदेव बनकर सारे संसार को भागवत सुनाई है। मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों का फल पृथ्वी पर ही भुगतना ही पड़ता है। पंडित शास्त्री ने, हम आज भगवान को भूल गए, आज हम माया से घिरे हुए हैं, आज हम पितामह भीष्म की तरह कांटों पर पड़े हुए हैं। जब बालक माँ के उदय में होता है तो भगवान से बाहर आने की प्रार्थना करता है और बाहर आते ही भगवान को भूल जाता है। भगवान की भक्ति से ही भव सागर पार कर सकते हैं। कथा के सुखदेव जी की पूरी कथा का वर्णन किया। कथा के दौरान सुखदेव जी महाराज की सुंदर झांकी बनाई गई। मुख्य यजमान दसौंधी परिवार द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया गया। कथा श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कथा को हम सभी बड़े भक्ति और भाव से श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान। आज के समय में परेशानी ये हो गई है कि 3 घंटे की कथा परीक्षित में कितने घंटे सुनी, बोले 7 दिन 24 घंटे कथा सुनी। हमें कितनी सुनानी है, बोले 3 घंटे। तो भी शास्त्री सुनानी है, क्या है, नैमी से नैमिष्ट क्षेत्रे ऋषयः समागतम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।